ऐसा है, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में धार्मिक स्थलों का मूलभूत सत्य क्या है, इसको जानने के लिए विश्व की, भारत सहित 800 करोड़ जनता उत्सुक है। 50% जनता दुनिया की अल अक्सा, उस पर क्लेम ईसाई मतावलंबियों का भी है, इस्लाम मतावलंबियों का भी और यहूदियों का भी, और लड़ रही है। परंतु लोग जानना चाहते हैं कि ईमानदारी से उसका सच क्या है। इसी प्रकार से और भी अन्य अनेक स्थान हैं। भारत में भी ऐसे विदेशी आक्रांताओं के और अत्याचार के कारण कई स्थान विवाद में हैं। इसलिए झूठ से, असत्य से नहीं, गलत से नहीं, बल्कि सत्य और सही जानना यह देश की जनता का मौलिक अधिकार भी है। मैं ANI के द्वारा ये कहना चाहूँगा कि देश के राजनीतिक दल और राजनेता, देश के मजहबी नेता यानी धार्मिक संस्थाएं, वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी, जातीय सामाजिक नेता या अन्य अनेक प्रकार के समाज सुधारक, यह सब चीज़ों को बांटने भड़काने की बजाय सत्य और सही जानने में मदद करें। फिर चाहे वो ओबीसी हो, चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, या अन्य कोई भी लोग हों, सबसे मेरा एक ही कहना है कि भड़काने की बजाय एक ही मांग करें कि शांतिपूर्वक इन सब का सत्य और सही सामने आने दें। फिर उस सत्य और सही के आने के बाद बिना उत्तेजना और बिना तनाव के उस पर समाधान के लिए न्यायपालिका की भी तरफ देखें, और अगर योग्य कम्युनिटी संवाद शुरू हो सकते हैं तो उस समाधान की ओर भी प्रयत्न करें। परंतु भारत भूमि की एक विशेषता है, चाहे अपने धर्म का हो, चाहे पराये धर्म का हो, चाहे विदेशी हो, चाहे भारतीय हो, गलत को गलत कहना, इसलिए रावण हो या कंस हो या हिरण्यकश्यप हो, उनकी वृत्तियां राक्षसी थी और वह हिंदू होने पर भी राक्षस कहलाए गए। राम कृष्ण प्रहलाद की वृत्तियां सात्विक थी, इसलिए भगवान और देवता कहलाए। इस प्रकार से जो विदेशी आक्रांता हैं, चाहे इंग्लैंड की, ब्रिटेनिया की उस समय की रानी रही होगी, लॉर्ड पंचम रहे होंगे, क्लाइव रहे होंगे, वार्निंग रहे होंगे, हेस्टिंग रहे होंगे, या फिर औरंगजेब, बाबर, गौरी, गजनी रहे होंगे, ये सब विदेशी और आक्रांता बनकर आए, इनके अत्याचारों की कथाएं कोई आज की सरकार ने नहीं लिखी हैं, अंग्रेजी सरकार के समय की भी हैं, और अंग्रेजी सरकार के बाद जो 55-60 साल कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित दलों का राज रहा, उनके समय के भी जगह जगह साइन बोर्ड लिखे पड़े हैं जो उन अत्याचारों को बोलते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो अत्याचारी हैं, विदेशी हैं और आक्रांता हैं, उनके लिए अगर बाइबल के अनुसार विचार करें, कुरान शरीफ के अनुसार विचार करें, गीता के अनुसार विचार करें, श्री गुरु ग्रंथ साहब के अनुसार विचार करें, आगम त्रिपिटक के अनुसार विचार करें, तो फिर सबने सत्य और सही को ही बोलना चाहिए और मानना चाहिए। इसलिए मैं फिर से अपील करता हूँ
कि सत्य और सही को जानने में सब मदद करें, सत्य और सही सामने आने दें, ताकि शांतिपूर्वक बंधुत्व से और भाईचारे से समस्या का समाधान हो सके।